डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर. टुडे वी विल डिस्कस ऑन फ्लाइट मैकेनिज्म इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव इवॉल्व विंग्स एंड फ्लाइट. इंसेक्ट्स फर्स्ट फ्लू इन द कार्बोनिफेरस some 350 million years ago. Wings may have evolved from appendages on the sides of existing limbs which already had nerves, joints and muscles used for other purposes. These may initially have been used for sailing on water or to slow the rate of descent when gliding. There are two different mechanisms of insect flight, indirect flight and direct flight. These two types of flight differ in how the insect's muscles cause the wings to flap. For direct flight, the muscles insert into the hinged base of the wing and cause the wing to flap by initiating movements in the base. This is considered an earlier version of insect flight that likely evolved before indirect flight. For insects with an indirect flight mechanism, there are no muscles attached directly to the wings. Insect flight ke do different mechanisms hain, indirect flight और डायरेक्ट फ्लाइट. डायरेक्ट फ्लाइट में मसल्स विंग्स के बेस में इंसर्ट रहती हैं और जिसके कारण ये विंग्स के मूवमेंट को या विंग्स में मूवमेंट को प्रारंभ करती हैं. इस तरह की फ्लाइट प्रारंभिक फ्लाइट मानी जाती है. ये प्रारंभिक इंसेक्ट्स में इस तरह की फ्लाइट होती है. उसके बाद इनडायरेक्ट फ्लाइट जो कि बाद में इवॉल्व हुई, इसमें कोई भी मसल्स विंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती. There are three general categories of muscles that power insect flight: direct, indirect, and accessory. Direct flight muscles consisting of the basilar and subalar muscles insert directly at the base of the wing and provide the power for the downstroke in more primitive insects and also affect wing pronation and supination. इंसेक्ट्स में तीन प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तथा एसेसरी. डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स बेसलर तथा सबलर मसल से बनी होती हैं. ये विंग्स के बेस में डायरेक्टली इंसर्ट रहती हैं. इसके कारण से प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में विंग्स नीचे की तरफ या डाउन स्ट्रोक रूप से गति करता है और साथ ही नीचे और फिर ऊपर इनमें गति होती है. Another direct muscle, the third axillary muscle, inserts on the third axillary scleroid. It affects wing supination and is also responsible for wing flexion against the body wall when the wings are at rest. दूसरी direct muscles axillary muscles हैं जो कि axillary scleroid में
थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइट में धंसी रहती हैं। इसके कारण विंग्स में ऊपर की तरफ गति होती है, इस तथा जब विंग्स आराम की अवस्था में होते हैं तब ये इन मसल्स के कारण ही विंग्स फैली हुई या फ्लैग्स अवस्था में रहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स मूव द विंग्स इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग द कन्फॉर्मेशन ऑफ द थॉरेक्स। दीज मसल्स इंक्लूड द डॉर्सो वेंट्रल ग्रुप दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टर्गम टू द स्टर्नम। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एमंग द स्क्लेराइट्स दैट मेकअप द थॉरेक्स इन ऑल इंसेक्ट्स, व्हेन द मसल्स पुल द टर्गम डाउन दे इनडायरेक्टली कॉज द विंग्स टू रेज एंड प्रोड्यूस द अपस्ट्रोक। डायरेक्ट मसल्स के विपरीत इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स विंग्स को इनडायरेक्टली मूव करती हैं और ऐसा थॉरेक्स के कन्फॉर्मेशन में परिवर्तन के कारण होता है। इन मसल्स में डॉर्सो वेंट्रल मसल्स आती हैं। ये मसल्स टर्गम से स्टर्नम तक फैली रहती हैं। थॉरेक्स को जो स्क्लेराइट्स बनाते हैं उनसे ये मसल्स अटैच रहती हैं, जिसके कारण जब ये मसल्स टर्गम को नीचे की तरफ पुल करती हैं तो इसके कारण से विंग्स ऊपर की तरफ रेज हो जाते हैं और इस तरह से अपस्ट्रोक उत्पन्न होते हैं। यानी कि टर्गम नीचे की तरफ गति करेगा तो विंग्स ऊपर की तरफ जाएंगे। अनदर इनडायरेक्ट ग्रुप द डॉर्सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अटैच्ड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द टू फ्रैगमेटा ऑफ ईच विंग बियरिंग सेगमेंट। व्हेन दीज कॉन्ट्रैक्ट दे शॉर्टन द सेगमेंट एंड कॉज द टर्गम टू एलिवेट। दूसरे इनडायरेक्ट मसल्स हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये दो प्रत्येक विंग बियरिंग सेगमेंट के दो फ्रैगमेटा के बीच लॉन्गिट्यूडनली अटैच्ड रहती हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये सेगमेंट को छोटा कर देती हैं, जिसके कारण टर्गम एलिवेट हो जाता है। इन मोर एडवांस्ड इंसेक्ट्स दिस डिफॉर्मेशन ऑफ द नॉटम बाय द डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रोड्यूसेस द पावर स्ट्रोक बाय डिप्रेसिंग द विंग। दीज मसल्स आर रिड्यूस्ड इन मोर प्रिमिटिव इंसेक्ट्स विच इंस्टीड यूज द डायरेक्ट मसल्स फॉर द डाउन स्ट्रोक। अधिक एडवांस्ड इंसेक्ट्स में नॉटम के इस डिफॉर्मेशन के कारण पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है, जिसके कारण विंग्स डिप्रेस्ड होते हैं या नीचे की तरफ आते हैं। जबकि प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में इस तरह की मसल्स नहीं होती और उन इंसेक्ट्स में डायरेक्ट डाउन स्ट्रोक मसल्स सॉरी विंग्स के डाउन स्ट्रोक के लिए डायरेक्ट मसल्स काम करती हैं। देयर आर आल्सो एसेसरी मसल्स दैट इंसर्ट इनटू द थॉरेक्स एंड इन्फ्लुएंस इट्स मैकेनिकल कन्फर्मेशन। फॉर एग्जांपल द प्लूरोस्टर्नल एंड प्लूरोटर्गल मसल्स modulate the power output and nature of the wing beat
by changing the orientation of the thoracic plates and the resonance of the thorax. इसके अलावा एसेसरी मसल्स होती हैं जो कि थोरेक्स में इंसर्ट रहती हैं और ये मैकेनिकल कन्फर्मेशन पर प्रभाव डालती हैं। ये प्लूरोस्टर्नल तथा प्लूरोटर्गल मसल्स होती हैं, इनके कारण थोरेसिक प्लेट के ओरिएंटेशन में परिवर्तन आता है तथा थोरेक्स के रेजोनेंस में भी परिवर्तन आता है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट। सम इंसेक्ट्स अचीव फ्लाइट थ्रू ए डायरेक्ट एक्शन ऑफ ए मसल ऑन ईच विंग। वन सेट ऑफ फ्लाइट मसल्स अटैचेस जस्ट इनसाइड द बेस ऑफ द विंग एंड द अदर सेट अटैचेस स्लाइटली आउटसाइड द विंग बेस। व्हेन द फर्स्ट सेट ऑफ फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स द विंग मूव्स अपवर्ड। The second set of flight muscles produces the downward stroke of the wing. The two sets of flight muscles work in tandem, alternating contractions to move the wings up and down, up and down. Generally, the more primitive insects like dragonflies and roaches use this direct action to fly. डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में मसल्स का डायरेक्ट एक्शन होता है। ये फ्लाइट मसल्स विंग के बेस से जुड़ी रहती हैं। इन मसल्स का के दो सेट होते हैं, एक सेट विंग के बेस के ठीक अंदर की तरफ अटैच रहता है तथा दूसरा कुछ बाहर की तरफ अटैच रहता है। जब अंदर वाला सेट यानी कि प्रथम सेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो विंग ऊपर की तरफ मूव करता है और सेकंड सेट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण विंग डाउनवर्ड स्ट्रोक करते हैं यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं। इस तरह से फ्लाइट मसल्स के दोनों सेट के विपरीत फंक्शन करने के कारण विंग्स में अल्टरनेट गति होती है, एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। इस तरह की गति प्रिमिटिव इंसेक्ट्स जैसे ड्रैगन फ्लाइज तथा रोचेस में पाई जाती है और ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म द्वारा फ्लाई करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स फ्लाइंग इज ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स। Instead of moving the wings directly, the flight muscles restore the shape of the thorax, which in turn causes the wings to move. When muscles attached to the dorsal surface of the thorax contract, they pull down on the tergum. As the tergum moves, it draws the wing bases down and the wings in turn lift up. Another set of muscles which runs horizontally from the front to the back of the thorax then contract. The thorax again changes shape and the tergum raises and the wings are drawn down. अधिकतर insects में flight mechanism कुछ जटिल प्रकार का होता है। इसमें विंग्स डायरेक्ट मूव नहीं करते, इसकी जगह फ्लाइट मसल्स थोरेक्स की शेप को परिवर्तित करती हैं जिसके कारण विंग्स में गति आती है।
डॉर्सल थोरेक्स की डॉर्सल सरफेस से अटैच्ड मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये टर्गम को नीचे की तरफ पुल करती हैं। जब टर्गम गति करता है तो विंग का बेस नीचे आता है और विंग्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। मसल्स का दूसरा सेट जो कि हॉरिजॉन्टली स्थित होता है और थोरेक्स के फ्रंट से बैक तक मसल्स रन करती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो थोरेक्स वापस शेप में परिवर्तित हो जाता है, टर्गम ऊपर की तरफ उठ जाता है तथा विंग्स नीचे की तरफ गति करते हैं। तो इस तरह से जब टर्गम की शेप में परिवर्तन आता है तो उसके हिसाब से ही विंग्स गति करते हैं। जब टर्गम नीचे की तरफ आता है तो विंग्स ऊपर की तरफ उठते हैं, और जब टर्गम रेज्ड होता है ऊपर की तरफ उठता है तो विंग्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये फ्लाइट मैकेनिज्म इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म कहलाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म देख रहे हैं। ए में ड्रैगन फ्लाई दिख रही है। ए ड्रैगन फ्लाइंग बाय ए डायरेक्ट मैकेनिज्म एंड ए बी फ्लाइंग बाय एन इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। बी में बी की फ्लाइट दिख रही है और ए डायग्राम में ड्रैगन फ्लाई की। वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ फ्लाइट इज दैट इन द डायरेक्ट मैकेनिज्म द टू सेट ऑफ विंग्स यूजुअली फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वेयर एज इंसेक्ट्स दैट कैरी आउट इनडायरेक्ट फ्लाइट ऑफन हैव फ्यूज्ड बोथ सेट्स ऑफ विंग्स सो दैट दे फंक्शन टूगेदर। डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में दोनों विंग्स के दोनों पेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं, उनमें गति एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती, स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं। जबकि ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, दो विंग्स के दोनों सेट्स एक साथ फंक्शन करते हैं। फॉर इनडायरेक्ट फ्लाइट द मसल्स डू नॉट अटैच टू द विंग्स, इंस्टेड दे अटैच टू द वॉल्स ऑफ द थोरेक्स एज शोन इन फिगर बिलो। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द थोरेक्स एंड दिस इन टर्न कॉजेज द विंग्स टू मूव। Recall that the wings are extensions of the thoracic exoskeleton. Some insects also use their abdomen as a sort of rudder while they fly. Insects that use indirect flight generally have more fine control over their movements. They are often able to hover and fly backwards, something not usually accomplished by direct flight insects. Figure below shows examples of an insect flying by a direct mechanism and an insect flying by an indirect mechanism. यहाँ पर हम दोनों तरह की फ्लाइट के मैकेनिज्म देख रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स और इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स किस तरह से वर्क करती हैं देखिए।
मसल्स, ये एक विंग बियरिंग सेगमेंट है जिसमें मसल्स के दो सेट्स दिखाई दे रही हैं। मसल्स के कारण, एक मसल्स के सेट के कारण उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो विंग्स को रेज करती हैं, ऊपर की तरफ विंग्स उठते हैं, जबकि दूसरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो विंग्स नीचे की तरफ या डाउनवर्ड गति करते हैं। इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तथा डोर्सोवेंट्रल मसल्स दिखाई दे रही हैं, जिनके मूवमेंट के कारण या जिनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण विंग्स ऊपर जा रहे हैं तथा नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स और डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म तथा इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म। एलिवेटर मसल्स पुल विंग्स अप, इसके कारण से एलिवेटर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब ये इसके कारण विंग्स ऊपर की तरफ जाएंगी। डिप्रेसर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब विंग्स नीचे की तरफ आएंगी। इसी तरह से इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में वर्टिकल मसल्स पुल ऑन द रूफ ऑफ द थोरेक्स कॉजिंग द विंग्स टू रेज, द थोरेक्स वाइडन्स एंड लेंथन्स एंड स्ट्रेचेस द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पर वर्टिकल मसल्स थोरेक्स की रूफ को खींचती हैं जब वर्टिकल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये टर्गम से जुड़ी हुई हैं, तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इस थोरेक्स की जो रूफ है या के उसमें मूवमेंट होगा, इसके कारण से विंग्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पुल ऑन दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द थोरेक्स कॉजिंग द विंग्स टू लोअर। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कारण थोरेक्स के एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स नीचे की तरफ आते हैं और ये इसके कारण से ये विंग्स को नीचे की तरफ खींचते हैं। थोरेक्स नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और वर्टिकल मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी। ए डायग्राम शोइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल अटैचमेंट्स फॉर इनडायरेक्ट फ्लाइट। दिस फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इंसेक्ट दैट मूव्स बाय इनडायरेक्ट फ्लाइट। The labels are as follow: A. Wing, B. Joints, C. Dorsoventral muscle and D. Longitudinal muscle. The combined actions of the dorsoventral and longitudinal muscles deform the shape of the thorax. This shape distortion causes the wing to move indirectly, meaning that the muscles have no direct attachment to the wings. इसमें मसल्स विंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और डॉर्सो वेंट्रल मसल्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण थोरेक्स की शेप में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के कारण विंग्स ऊपर तथा नीचे मूव करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इसमें मसल्स सीधे विंग से नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण थोरेक्स की शेप में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए ऐसे मैकेनिज्म को इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म कहते हैं। ये देखिए, ये है डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म। यहाँ पर मसल्स सीधे विंग के बेस से जुड़ रही हैं, तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और होती हैं तब
ये विंग्स को ऊपर और नीचे, इनके कारण विंग्स ऊपर और नीचे गति करते हैं। देखिए विंग्स नीचे आ रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। The ordinator dragonflies and damselflies have direct flight musculature, as do mayflies. तो ऑर्डोनेटा में dragonflies, damselflies तथा इसके अलावा mayflies, इनमें direct flight mechanism पाया जाता है। ये indirect flight mechanism है, इसमें थॉरेक्स की शेप में परिवर्तन के कारण विंग्स ऊपर तथा नीचे जाते हैं। दी नियोप्टेरा इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज एंड मोस्ट अदर इंसेक्ट्स हैव इनडायरेक्ट फ्लाइट मस्कुलेचर। देखिए डायरेक्ट मसल्स के कारण विंग्स का मूवमेंट, ये डिप्रेसर मसल्स और एलिवेटर मसल्स हैं। एलिवेटर मसल्स के कारण विंग्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण विंग्स ऊपर जा रहे हैं, और डिप्रेसर मसल्स के कारण विंग्स नीचे आ रहे हैं। ए और बी डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म थॉरेक्स की रूफ से ये यहाँ पर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तथा डॉर्सो वेंट्रल मसल्स जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके कारण विंग्स ऊपर और नीचे गति करते हैं। थॉरेक्स की शेप में परिवर्तन आता है और विंग्स ऊपर तथा नीचे गति करते हैं। यहाँ देखिए दूसरी एसेसरी मसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, प्लूरोटर्गल मसल्स तथा प्लूरोस्टर्नल मसल्स। टर्गम से जुड़ी हुई प्लूरोटर्गल मसल्स तथा स्टर्नम से जुड़ी हुई प्लूरोस्टर्नल मसल्स, ये भी थॉरेक्स की शेप में परिवर्तन लाती हैं, और जिनके कारण विंग्स में अपस्ट्रोक तथा डाउनस्ट्रोक मूवमेंट होते हैं। ये विंग बियरिंग सेगमेंट है, उसमें मसल्स दिखाई दे रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, टर्गोस्टर्नल मसल्स, बेसेलर मसल्स, तो टर्गोस्टर्नल मसल्स टर्गम से स्टर्नम तक फैली हुई हैं, इसलिए इनका नाम है टर्गोस्टर्नल मसल्स। समरी, इंसेक्ट्स आर दी ओनली इनवर्टिब्रेट्स दैट कैन फ्लाई एंड दी फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग दी बेनिफिट्स ऑफ फ्लाइट फॉर ओवर 100 million years before reptiles joined them in their aerial habitats. Insects generally have two pairs of wings and they are actually part of the exoskeleton. Benefits of flight include evading predators, dispersal, and finding a mate. Other functions of wing include protection, sound production, heat retention, विजुअल कम्युनिकेशन एंड ओरिएंटेशन।
तो आज हमने इंसेक्ट्स में फ्लाइट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि इंसेक्ट्स में किस तरह से फ्लाइट होती है, वो कैसे उनके विंग्स कैसे मूव करते हैं जिनके कारण इंसेक्ट्स में फ्लाइट की क्षमता विकसित हुई है, कैसे विंग्स अपस्ट्रोक मूवमेंट करते हैं और कैसे डाउनस्ट्रोक मूवमेंट करते हैं, कौन सी मसल्स विंग्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो किस तरह से कार्य करती हैं। थैंक यू।